अयोध्या निर्माण के सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक एक फैसला सुनाया है। वो निर्माण कैसे होगा, क्या होगा, डिजाइन क्या होगी, हमारे साथ जो है शिल्पीकार चंद्रकांत सोमपुरा जी है, उनके साथ ही सीधे बात करेंगे क्या इनकी डिजाइन रहेगी राम मंदिर की। सोमनाथ जी, खास करके बताइए कि ये सोमनाथ मंदिर की डिजाइन क्या है, इसमें क्या खास है? ये राम मंदिर है। राम मंदिर का डिजाइन में दो मंजिल का है। एक नीचे की मंजिल में राम लल्ला विराजमान होंगे, ऊपर राम दरबार होगा, इसके ऊपर शिखर होगा। ये नागर शैली का पूरा मंदिर है और ये चारों तरफ जो दिख रहा है अलग अलग बिल्डिंग्स है, रिसर्च सेंटर है, ये कथा कुंज है, रहने का निवास स्थान है, ये चारों तरफ गेट है अलग अलग, ये सब बना हुआ है। सर जी, खास इसमें ये बताइए कि कितने एरिया में पूरा मंदिर की डिजाइन आपने बनाई है? 6.5 एकड़ में है करीब, अभी जो बने हैं। अभी कितनी जमीन मिलेगी, क्या है, वो सब तो गवर्नमेंट जो तय करेगी उसके हिसाब से। इसमें सर खास कार्विंग डिजाइन क्या रहेगी और इसमें कितने पत्थर के इस्तेमाल किया जाएंगे? ये पत्थर का 2.5 लाख घन फुट का पत्थर लगेगा। इसमें 250 पिलर है और दो बड़े गुम्बद है, एक शिखर है, ऐसे करके ये पूरा मंदिर जो है इसमें जो बन गया है वो करीब 40% काम हो गया है, 60% का बाकी है। सर जी, खास करके ये मंदिर जो है जैसे एक सोमनाथ मंदिर जैसा ही लग रहा है, इसमें क्या खास, सोमनाथ मंदिर जैसा ही और कुछ नया का डिजाइन इसमें? नहीं, सोमनाथ मंदिर महामेरु प्रसाद है, शिव जी का है, ये विष्णु का है। इसमें अष्ट पहलू है, बाहर से दिखने में ऐसा ही लगेगा शिखर, मगर उसमें बहुत काफ़ी फर्क है जी। खास सर, ये मंदिर अब तो डिजाइन तो आपने बना लिया, लेकिन वो कब उनका काम शुरू होने वाला है, क्या आपका क्या दिया है आपने आदेश? काम तो शुरू, अब देखिए पहली बात है कि 3 महीने में इन लोगों ने कहा कि कोई कमेटी बनाएंगे, इससे उसमें कौन कौन आता है, क्या है, कौन संभालता है, उसके बाद में जमीन कब मिलती है तभी चालू होगा, क्योंकि अभी तो डिसीशन आया है, उसको इंप्लीमेंटेशन होने में मेरे ख्याल से 3 महीना और 2-3 महीना और लग सकता है। खास करके इस जो डिज़ाइन में जो बनाई है, इसमें खास और क्या चीज़ बनाई है जो का आपने डिज़ाइन में रखी गई है? नहीं, ये सारा शिल्पशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है, वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के हिसाब से। इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है कि इसके नहीं है कि ये है, ये जो मंदिर में बनता है वही सब इसमें है। पूरा जो मंदिर की डिज़ाइन जो आपने सर बनाई है, कितने खर्च की हो सकता है इसमें? जैसे मैंने कहा अभी नीचे का 2 मंजिल तैयार है, ऊपर बाकी है सब, तो ये करीब 50 करोड़ रुपया और खर्च लगेगा। तो सर लास्ट एक सवाल है कि अब कब ये डिजाइन तो बना ली है, लेकिन कब काम शुरू कब करने वाले हैं आप? काम मैंने कहा ना कि 3 महीना में तो कमेटी गठन होने में लगेगी, इसके बाद में कमेटी को जमीन सौंपी जाएगी, इसके बाद में जब कहेंगे कि भाई अभी शुरू करना है तो मेरे ख्याल से 5-6 महीना तो लग ही जाएगा इसमें इस प्रोसीजर में, फिर भी 3 महीना के अंदर कहा है तो हो सकता है जल्दी भी हो। तो ये थे शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा जी, जिन्होंने बताया कि जो डिज़ाइन जो बनाई है सर, जो अभी जो उनका फैसला आया है, इसकी वजह से 3 महीने का जो अपने टाइम दिया है, इसके बाद 6 महीने के भी टाइम हो सकता है, लेकिन अब लोगों का ये इंतजार है कि राम मंदिर कब उनका निर्माण हो जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.